Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well and studying very very hard. So guys, हम लोगों ने organometallic series almost अब खत्म होने वाली है, ठीक है. Last classes में we have completed coupling reaction, Hack coupling आई थी, ठीक है. आज की class में हम लोग catalyst खत्म करेंगे. देखो organometallic के ना 3 main catalyst हैं. एक Grubb catalyst है, एक Crabtree catalyst है, एक Tavis reagent है. सिर्फ ये 3 मेन रिएजेंट्स हैं, कैटलिस्ट हैं, आप बता लो. अगर आपने एक बार क्या होता है, डायरेक्ट 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि मेटाथीसिस का क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा कि जैसे कि अब आ जाते हैं कि इनमें से कौन कौन से स्टेप हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन, मेटाथीसिस, इंसर्शन. तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस क्लास. आज हम लोग ये सब डील करने वाले हैं. और ये ऐसे कैटलिस्ट हैं, इतने सिंपल हैं, एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, आप कभी भी नहीं भूलने वाले हो. और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में बीच में भी आ जाते हैं. तो आज की क्लास हम ये तीनों कैटलिस्ट को खत्म करते हैं. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद Crabtree's, ठीक है. ये जो Crabtree कैटलिस्ट है, देखो मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है. इरिडियम साइक्लोऑक्टाडाइईन, ठीक है, पीडीन एंड फॉस्फोरस के साथ लगा हुआ है साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, वो भी 3, ठीक है. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कभी भी नहीं लिखा हुआ आता, ये तो फिर भी चाहो लिखा हुआ आएगा. इस तरह का स्ट्रक्चर तो सीएसआई ने नहीं बनाने वाला, इतना बड़ा पेपर है, कहाँ इतना बड़ा ड्रॉ करने वाला है. तो ये सब तो नहीं होने वाला है, सिर्फ सीधा सीधा आपका लिखा हुआ आ सकता है Crabtree. आपको सीधा लिखा हुआ आ सकता है Crabtree, और इतना ही हमको देखना है कि Crabtree लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है. तो व्हाट इज द वर्क, इसका काम होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन. एल्कीन की हाइड्रोजिनेशन करता है. चलो ये तो हमारे प्लैटिनम, प्लैटिनम भी करते हैं, बहुत सारे रिएजेंट्स करते हैं. ये क्या करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. डिसाइड्स द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जो हाइड्रोजन आने वाला है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी. Crabtree कैटलिस्ट का मेनली यही काम है. सेकेंडली, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन डिसाइड करता है भाई हाइड्रोजन आ रहा है. अब इस बात को कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है अल्कोहल, वो भी अलाइलिक और होमो अलाइलिक अल्कोहल. देखो अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, पे अपना अगर OH लगा होता तो दैट इज फिनाइलिक OH, है ना. अब ये OH अगर आपको यहाँ ना लग के उसके बगल में लगा हुआ है, उसे हम बोल देते हैं अलाइलिक OH. तो जो विनाइलिक के बगल का जो कार्बन है उसे हम बोलते हैं अलाइलिक कार्बन, और यहाँ पे जो OH लगा है उसे बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल. इसी तरीके से होमो अलाइलिक, होमो का मतलब अलाइलिक के बगल वाला, अलाइलिक के बगल वाला जो होता है उसे बोलते हैं होमो अलाइलिक अल्कोहल. तो ये है हमारा होमो अलाइलिक अल्कोहल. तो अगर ये दोनों अल्कोहल्स हैं तो इनकी जो भी ज्योमेट्री है, फॉर एग्जाम्पल अलाइलिक अल्कोहल अबव है तो जो हमारे हाइड्रोजन्स हैं ना वो भी अबव आने वाले हैं. अगर हमारे अलाइलिक अल्कोहल बिलो है तो हमारा जो अनकमिंग हाइड्रोजन ग्रुप है बिलो है, ठीक है. 2 क्वेश्चन करते हैं, बस इतना सा ही सफिशियंट है. जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है, पहले ये वाला कर लेते हैं, ठीक है. ये हमारे पास क्वेश्चन आया और हाइड्रोजन लिखा, Crabtree लिखा हुआ है, हाइड्रोजन है, Crabtree है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स हमें करना है, ठीक है. अब ये तो मेरा एल्कीन है, मैंने बोला एल्कीन के अलाइलिक पोजीशन पे, एल्कीन के अलाइलिक पोजीशन पे जो अल्कोहल होता है दैट विल डिसाइड द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द हाइड्रोजन. इट इज अबव, बस आपको हाइड्रोजनेशन करनी है, बिल्कुल जैसा है एग्जैक्टली यू विल ड्रॉ, जैसे है बिल्कुल आपको वैसा ही ड्रॉ करना है. मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है और OH वैसे के वैसा ही रहेगा, बस डिफरेंस यहाँ आएगा जो यहाँ पे H है वो अबव आ जाएगा, और जैसा ग्रुप था यहाँ पे लगा हुआ है तो ये हमारा आंसर होगा. हाउ सिंपल इट इज, कितना सिंपल है ना. तो इसी तरीके के आगे के कैटलिस्ट बहुत सिंपल होने वाले हैं, तो डोंट मिस दैट, ओके. अब यहाँ पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन है. अब यहाँ पे आई एम सीइंग द एल्कीन, हाइड्रोजन एंड Crabtree, दिस इज विनाइलिक कार्बन, दिस इज अलाइलिक कार्बन एंड दिस इज होमो अलाइलिक कार्बन. नाउ दिस विल डिसाइड द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द अपकमिंग हाइड्रोजन ग्रुप. सो अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, ये यहाँ बिलो है OH, यहाँ पे ME,
यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ हाइड्रोजन कैसा आना चाहिए, बिकॉज होमो एलाइलिक और एलाइलिक विल डिसाइड द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द हाइड्रोजन. तो यहाँ पे नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ बिलो हाइड्रोजन. सो गाइज हाउ सिंपल इट इज, है ना. तो इसी तरीके से आगे की क्लास भी बहुत सिंपल होने वाली है. अब ये था मेरा क्राफ्ट, बस इतना सा करना है. एक बार अपने नोट्स के लिए इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लो, बिल्कुल भी दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा है तो ये हम याद कर सकते हैं कि इरिडियम है, साइक्लोकार्डाइन है, पिरिडीन है, और फॉस्फोरस का साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है ऊपर, प्लस है बस. क्योंकि हो सकता है कि मैचिंग्स में आ जाए कि क्राफ्ट्री का क्या फॉर्मूला है, अदरवाइज इस तरीके से तो नहीं ड्रॉ होने वाला है. तो ये इसके तीन मेन काम है, हाइड्रोजनेशन, डिसाइड द स्टीरियोकेमिस्ट्री. अब मेन हम करेंगे ग्रब्स कैटलिस्ट. क्या करने वाले हैं ग्रब्स कैटलिस्ट, बिल्कुल खूबसूरत सी ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे. उसके बाद टैबिस रिएजेंट. सो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रब्स कैटलिस्ट. देखो ग्रब्स कैटलिस्ट का दिस इज द स्ट्रक्चर. रुथेनियम है, यहाँ पे फॉस्फोर साइक्लोहेक्साइल है, क्लोरीन है, एच ए पी एच है. एज ऑलवेज आई सेड ग्रब्स कैटलिस्ट लिखा हुआ आएगा, इतना बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं होगा. और आपको आना चाहिए व्हाट इज इट्स वर्क, इसका काम क्या है. देखो ये रिंग क्लोजिंग का काम करता है. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक सिंपल सा काम करेगा, रिंग क्लोजिंग करेगा. इसी को हम बोल देते हैं रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस, ये भी इसको बोला जाता है. और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, ये जो है ना, ये वाला पार्ट इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देता है विद एल्कीन. मतलब ये जो एल्कीन है ना, इसके साथ ये 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन करता है, फिर वो रिमूव होता है, और फिर यहाँ पे 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है. तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि इसमें 2+2 साइक्लो एडिशन भी होती है. अब आते हैं मेटाथीसिस का क्या मतलब है. अगर मुझे किसी को समझाना हो व्हाट डू मीन बाई मेटाथीसिस, मेटाथीसिस का मतलब होता है डबल डिस्प्लेसमेंट. हम ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना, वहाँ भी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है. पर हम लोग 11th 12th में भी पढ़ते हैं कि अगर डबल डिस्प्लेस हो रही है कोई चीज़, डबल बार सब्सटीट्यूशन हो रहा है, तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. तो यहाँ पे ना डबल बार ब्रेकिंग होती है, डबल बार ब्रेकिंग होती है, इसीलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट और मेटाथीसिस भी कहते हैं. तो क्वेश्चन अगर आता है कि मेटाथीसिस कौन सा कैटलिस्ट कराता है, तो सारे ऑर्गेनो मेटालिक रिएजेंट्स में ग्रब्स कैटलिस्ट है. तो आप लोग ग्रब्स कैटलिस्ट को टिक लगा के आएंगे. अब ना मेनली ट्रिक पे चलते हैं, कैसे ये क्वेश्चन मेरे पास आया, ये क्वेश्चन मेरे पास है, हाउ आई कैन सॉल्व इट इजिली. देखो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक सिंपल सी ये है. आपको टोटल कार्बन, मतलब ये वाले कार्बन जो एल्कीन के साथ वाले रिंग्स के में है ना, ये वाले कार्बन को काउंट करना है. जैसे आपको रिएक्टेंट के कार्बन काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है. तो नंबर ऑफ कार्बन इन फाइनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट माइनस टू. मतलब रिएक्टेंट में से आप 2 माइनस कर दोगे, उतने कार्बन आपको शो करने हैं. ठीक है, पहली बात. सेकंड, आपको कुछ नहीं करना, ये जो एल्कीन वाला पार्ट है इसको रिमूव कर दो, इस एल्कीन पार्ट को रिमूव कर दो. आपको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना के एल्कीन बनाना है. रिमूव बोथ द एल्कीन्स, ज्वाइन देम. आपने जो आपने एल्कीन करा जहाँ से रिमूव किया, फिर उन कार्बन को आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है और एक एल्कीन, सिंगल एल्कीन बना दिया, सिंगल एल्कीन बॉन्ड. ठीक है, अब जैसे हम यहाँ की बात करते हैं, ठीक है, काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है. आपको 7 में से 2 माइनस करना है, जितने भी हैं आपको 2 ही माइनस करना है. तो 7 में से अगर आप 2 माइनस करोगे 5, मतलब आपको 5 मेंबर्ड रिंग बनानी है. 5 मेंबर्ड रिंग आपको ड्रॉ करनी है. तो मैं अगर यहाँ पे कर दूँ बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, बस इनको हटाओगे, यहाँ आपने ये 5 मेंबर्ड रिंग बना ली और ये डबल बॉन्ड. बट दिस इज द आंसर, हाउ सिंपल इट इज, कितना सिंपल है. अब यहाँ पे ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, जैसे और रिएजेंट्स के साथ भी आया हुआ ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. बस आपको कुछ नहीं करना, इनको रिमूव करना है
और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना है। एट था, एट में से आप टू माइनस करोगे कितने आ गया सिक्स, आपको सिक्स बनाना था, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स बन गए। ठीक है, समझ में आया। तो ये तो ग्रफ कैटलिस्ट ने कर दिया। अब इस ग्रफ कैटलिस्ट के अंदर अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ, इस ए, ये मेरा ए हो गया। अब इस ए में एक बार तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला हुआ है और एक बार पहले हाइड्रोजन प्लैटिनम फिर एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला हुआ है। पता है हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता है, तो ये इस पे ना अटैक करके दिस इज अ अमाइड पोर्शन, दिस इज अ अमाइड पोर्शन। क्योंकि कई बार हमारे को ये भी पता है वो NH2 को NO2 के अंदर कन्वर्ट करता है, तो इट इज नॉट NH2, इट इज अमाइड, इज ए कम्प्लीट अमाइड ग्रुप ओवर हियर। तो ये कम्प्लीट अमाइड ग्रुप है यहाँ पे, तो इस अमाइड ग्रुप में C डबल बॉन्ड O को ये कन्वर्ट करता है अपने CH2 ग्रुप में। तो पहले में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, आप बिल्कुल वैसे कि वैसा ड्रॉ कर देंगे जैसा ड्रॉ हुआ हुआ है। डबल बॉन्ड को ये कोच भी इफेक्ट नहीं करने वाला है, यहाँ पे एन है बस। दिस इज द आंसर, जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो सी एच टू में कन्वर्ट हो गया, ये मेरा हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेकेंड में ए में डाला हुआ है हाइड्रोजन प्लैटिनम, तो सबसे पहले वो हाइड्रोजिनेशन करेगा आपका ये, अच्छा ये फाइव मेंबर रिंग थी, ये फाइव बना लेना है ना, ये फाइव मेंबर रिंग थी यहाँ पे, तो फाइव ही रहेगी। ये फाइव मेंबर रिंग है, ये डबल बॉन्ड ओ है, तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो हाइड्रोजन जो है लगेगा आपके यहाँ पे, तो ये तो हाइड्रोजनेशन हो गया। अब सेकेंड स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा इसमें। तो यहाँ पे बिकॉज हाइड्रोजन प्लैटिनम डला हुआ था, निकल प्लैटिनम प्लैटिनम कुछ भी डला हो सकता है, तो उसने पहले हाइड्रोजिनेशन कर दी। इसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने अमाइड को अपना सी डबल बॉन्ड ओ को सी एच टू ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। वहाँ पे डला नहीं था, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं किया, उसने सिर्फ अमाइड को सी एच टू में कन्वर्ट किया। देखो ऐसे क्वेश्चंस सी एस आई नेट में बहुत आते हैं कि यू नो ए बनाया, फिर ए के बाद डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स बना दिया, बता दो ए कौन सा है। मतलब ये हमारा बल, मान लो ये हो गया बी एंड दिस इज सी, तो क्वेश्चन आता है ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। ए नहीं आया तो बी क्या होगा, सी क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो ना सी एस आई नेट में बहुत आते हैं। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रिएजेंट पे, दैट इज टैबेज रिएजेंट। तो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट रिएजेंट को, नेक्स्ट कैटलिस्ट को। मैं इसको कैटलिस्ट में ही पढ़ते हैं, टैबेज रिएजेंट। एक्चुअली इट इज एन ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट, क्योंकि ये शोरोकार्बिन से ही यू नो बनती है। शोरोकार्बिन बहुत ही न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होती है, तो हम क्या करते हैं इसके इस पार्ट को, दिस इज शोरोकार्बिन, इसके इस पार्ट को हम एल्यूमिनियम वाले इस पार्ट से जो है रिप्लेस कर देते हैं। तो ये जो हमारा रिएजेंट क्रिएट होता है इसको बोलते हैं टैबेज रिएजेंट। तो हम लोग इसको ये भी बोलते हैं द प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ शोरोकार्बिन इज कॉल्ड टैबेज रिएजेंट, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, मेनली इसका काम क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ को डबल बॉन्ड सी एच टू के अंदर कन्वर्ट करना, जैसे कि विटेक रिएक्शन में हम लोग करते हैं ना, सीधा कार्बोनिल को हटाते हैं और डबल बॉन्ड सी एच टू लगाते हैं। उसी तरीके से ये हर तरह के, अगर आपको टैबेज रिएजेंट दिख गया, कार्बोनिल ग्रुप दिख गया, बस आपको कुछ नहीं करना। अब जैसे ये हमारा रिएक्टेंट है, तो इसका हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे हमारा सी एच टू ग्रुप आ जाएगा, और जो जैसा है और किसी को भी ये टच नहीं करता है। जैसे अब हम ये क्वेश्चन देखें, बस टैबेज रिएजेंट लिखा हुआ है, किसी का इतना बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं होगा। आपको क्या करना है, बस कार्बोनिल को हटाना है, मैं यहीं पे कर रही हूँ, इसको सी एच टू के अंदर कन्वर्ट कर देना है। अब ये इम्पॉर्टेंट है, अब टैब्स रिएजेंट डाला हुआ है, तो ये कौन से वाले को मेन करेगा, इसको कि इसको। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, अगर 1:1 है, मतलब सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले को करेगा, तो ये वाले को यहाँ पे ये कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सी एच टू को, अगर 1:1 है। अगर एक्सेस में डाला है, तो ये इन दोनों को कन्वर्ट कर देगा आपका डबल बॉन्ड में, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, एंड देयर इज अ आर। सो गाइज आज आपने देखा कितने ही शॉर्ट फॉर्म के, इतने खूबसूरत कैटलिस्ट हम लोगों ने कवर किए। बस इतने से ही हमें पढ़ने हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के अंदर, ये तीन रिएजेंट्स पढ़ने हैं, क्रैबट्री, ग्रब्स कैटलिस्ट, और ये हमारा टैबेज रिएजेंट। अब आने वाली क्लासेस में आई विल कवर द साइकिल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं, जहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग साइकिल्स करने वाले हैं।
ठीक है, दिस इज फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच।